मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सदर लोकल कमेटी ने महंगाई के खिलाफ सेरी चांदनी में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सदर कमेटी सचिव सुरेश सरवाल ने कहा कि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और अन्य खाद्य की कीमतें जिस रूप में बढ़ रही हैं उससे आम जनता का जीवन यापन मुश्किल में पड़ गया है। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश की सरकार ने जिस तरह से पेट्रोल व डीजल के दामों में कटौती की है, माकपा का मानना है कि यह कटौती नाकाफी है तथा यदि सरकारें आम जनता को राहत देना चाहती है तो पेट्रोल और डीजल में लगाई जा रही एक्साइज ड्यूटी को खत्म किया जाए। उन्होंने कहा कि जितने भी प्रकार के कर लगाए जा रहे हैं उन्हें खत्म किया जाए तथा रसोई गैस के दामों में भी कटौती की जाए और पहले की तरह सब्सिडी दी जाए। उन्होंने कहा कि महंगाई इस वक्त चरम पर पहुंच गई है। सब्जियों, दालें, खाने का तेल भी महंगा हो गया जिससे गरीब तबके के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मार्क्सवादी पार्टी किसानों व प्रभावितों के आंदोलन का पूरा समर्थन करती है और सरकार से मांग करती है हठधर्मिता छोड़कर एयरपोर्ट के नाम पर किसानों की जमीन लेने की योजना को तुरंत रद्द कर दें। उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी भी चरम सीमा पर है, पढ़ा लिखा युवा दर बदर की ठोकरें खा रहा है, उन्हें कहीं भी रोजगार नहीं मिल रहा है। आउटसोर्स की नौकरी करने पर पढ़ा लिखा युवा मजबूर हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जितनी भी भर्तियां सरकार घोषित कर रही है उन्हें अभी तक कोई अंजाम नहीं दिया जा रहा है। यदि अंजाम दिया जाता है तो कोर्ट में मामले चल रहे हैं जिससे युवाओं में निराशा बढ़ रही है। सरकार इन भर्तियों के परिणाम को भी जल्द से जल्द घोषित करें और बेरोजगार युवाओं को राहत प्रदान करें। ये सेरी मंच के अंदर भी धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हमारी मुख्य मांग है कि देश की सरकार जो पेट्रोल डीजल के अंदर जो एक्साइज ड्यूटी लगाती है उस एक्साइज ड्यूटी को जो है टोटल खत्म किया जाए। पिछले 6 महीने में 40 बार जो है पेट्रोल डीजल के दाम जो देश की सरकार ने बढ़ाए हैं। हम ये मानते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो पेट्रोल डीजल या जो क्रूड ऑयल है उसकी जो दाम है वो दाम लगातार निचले स्तर के अंदर आ रहे हैं और देश की सरकार लगातार पेट्रोल डीजल के दामों को जो ऊपर बढ़ा रही है। हमारा मानना है कि पेट्रोल डीजल के अंदर जो एक्साइज ड्यूटी है उसको खत्म किया जाए और इसके साथ साथ जो इसके ऊपर असेस है चाहे हेल्थ अधिकारी है इसके कारण हिंदुस्तान का जो भुखमरी के अंदर जो स्थान है वो जो 101वां स्थान आ गया 116 देशों में से। ये बड़े दुख की बात है जो देश का प्रधानमंत्री ये बात कहता है कि हमारा देश ऊपर की तरफ उठ रहा है मगर आप भुखमरी में देखेंगे हिंदुस्तान 101वें स्थान के अंदर जो पहुंच चुका है। अगर यही हालात रहे तो 116 देश में से हिंदुस्तान आखिरी पायदान के अंदर होगा अगले 1 साल के अंदर। हमारी पार्टी का मानना है कि अगर सरकार आम जनता को राह देना चाहती है तो उनके खाते में 7500 रुपए जो है ने वो जो 25% के तक वापिस नहीं ली, कहा गया था कोविड के कारण की गई है। कोविड का दौर थोड़ा सा धीमा हुआ है तो सरकार को भी चाहिए था कि बस किराए के अंदर जो 25% की बढ़ोतरी की गई थी उसको वापस ले जाए। आज खाद्य वस्तुएं जो आप सब्जियां हैं, दालें हैं, तेल है, उसकी हालत क्या है बाजार के अंदर आप सभी लोग जानते हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि सरकार खाद्य वस्तुओं के दामों के अंदर भी जो कंट्रोल करे और उसके तहत आम जनता को जो है सस्ता राशन जो मुहैया करवाए। इन्हीं बातों को लेकर आज हमारा धरना प्रदर्शन था, इन्हीं मांगों को लेकर जो आज हमने प्रदर्शन किया। मंडी से ब्यूरो प्रमुख रूपलाल कौंडल की रिपोर्ट।